दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आपके सामने नानी दादी के नुस्खे लेके आया करता हूँ और वो नुस्खे इतने कारगर कि आप सोच नहीं पाओगे कि कितना जल्दी आपको ठीक कर दिया। आप पांच पांच सात सात साल डॉक्टर से दवाई लेते रहना, ठीक नहीं होंगे। लेकिन मैं जो नुस्खा बताने जा रहा हूँ हर नुस्खा आपका काम करेगा, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर नहीं थे, नानी दादी यही नुस्खे अजमाया करती थी, वही आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि जो भी नए हैं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देवें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। ये वीडियो आपको जिंदगी भर काम देंगे। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ दर्द का तेल कैसे बनाना है और क्या क्या काम करेगा आपको। आपको कहीं नहीं जाना, आपके घर में से सारा सामान मिल जाएगा, कहीं बाहर नहीं जाना। मैं वही चीज़ बताया करता हूँ जो आपके घर में मिले, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है, इसलिए आप बाजारों में डॉक्टरों के पास वहाँ जाना पड़ता है आपको। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जोर जोर का दर्द है या हाथ पैर में दर्द है, कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, एड़ी का दर्द बहुत मुश्किल होता है, एड़ी का दर्द है, कमर दर्द है, सिर में दर्द है, या पुराना जुकाम बिगड़ा हुआ है उससे माथा भारी रहता है, दर्द है कैसा भी शरीर में, चाहे मांसपेशियों का दर्द है, कैसा भी दर्द है, उसके लिए आपको एक नुस्खा देने जा रहा हूँ। आप देखिए, एक इतना बड़ा आप अदरक का टुकड़ा ले लेना, लगभग दो इंच अदरक का टुकड़ा ले लेना और लहसुन की सात आठ फांके ले लेना, छील करके सात आठ फांके ले लेना। अब आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट है, क्या क्या सामान है जो मैं है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, सुन लीजिए क्या ध्यान से। दो एक इंच का टुकड़ा आपको लेना है अदरक का, सात आठ आपको कलियां लेनी है लहसुन की और पांच दाने लेने आपको लौंग के, लौंग पांच लौंग जो हमारे घर में मिल जाएंगे। दालचीनी का बस इतना सा टुकड़ा आपको ले लेना है। अब क्या करना है कि आपको मेथी दाना लेनी है, कितनी, एक चम्मच आपको मेथी दाना लेना है। इन सभी को आपको क्या करना है कि अदरक है उसको यूं चॉप कर लेना है, पतले पतले टुकड़ों में चॉप कर लेना है, ऐसे ही लहसुन की गुलियों को चॉप कर लेना है, बाकी आपका वैसे ही रहने देना है। अब आपका क्या करना है, लौंग जो है उस पांच लौंग को आप रख के रखना, कब डालना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो पांच चीज़ें हैं, अदरक, लौंग, दालचीनी और जो ये मेथी दाना बताया है, ये पांचों चीज़ों में से लौंग को तो बाहर रख देना और ये चार चीज़ें इकट्ठी करके आपको क्या करना है, 25 से 30 ग्राम तिल का तेल मिले तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो सरसों का तेल भी चलेगा, कोई नुकसान वाली या कोई कम ज़्यादा वाली बात नहीं है। 25 से 30 ग्राम आप तेल ले लेना, इसका ज़्यादा भी बना सकते हैं आप, लेकिन जो रेशियो में बता रहा हूँ वो किस प्रकार रखना है आपको बता दिया है। तो 25-30 ग्राम तेल ले लेना और हल्की आंच पे इसको पकाना, जब काफ़ी हद तक पक जाए तब लौंग को कूट के वो भी अंदर डाल देना, और जब सारा ये पक जाए तो आपका तेल तैयार हो गया। इस तेल को आप ठंडा होने दें। और दोस्तों एक मैं खास बात बताऊंगा आपको कि इसमें ध्यान देने की बात है कि अगर आपके घर में लोहे की कढ़ाई है तो इस तेल को आप लोहे की कढ़ाई में बनाइएगा, 100 गुना ज़्यादा काम करेगा। और तेल आप शाम को बनाओ तो अच्छा है, जब ये तेल पक जाए तो वैसा का वैसा उतार के ढक्कन लगा के पूरी रात भर के लिए उस कढ़ाई में छोड़ देना, फिर देखिए इसके अंदर कितनी ताकत बनती है। सुबह उठ के इसको छान लेना और एक शीशी में डाल लेना
और आपकी जरूरत के अनुसार जहां भी आपके दर्द है हल्के हाथ से तेल लेकर वहां मालिश कर लेना हल्के हाथ से, और मालिश तब तक करना चाहे जब तक वो तेल शरीर के अंदर बैठ ना जाए, तब तक आपको मालिश करते रहना है। इस प्रकार आप 2 से 3 मिनट मालिश करेंगे तो तेल सारा आपके अंदर बैठ जाएगा, और देखना 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका सारा दर्द छूमंतर हो जाएगा, आपके शरीर में किसी प्रकार का रोग दर्द नहीं रहेगा। यह एक बार आजमा के देखना दोस्तों, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।